गौतम रिपोर्ट्स आ गई क्या? क्या लिखा है डॉक्टर रिपोर्ट्स में? Should I come back to the hospital, डॉक्टर? Relax, Mrs. Gautam. मिस्टर गौतम की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं. सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं. देखिए कविता जी, आपके पति फिजिकली पूरी तरह ठीक हैं. I will suggest you कि कल सुबह हॉस्पिटल आकर आप उन्हें डिस्चार्ज करवा के घर ले जाइए. पर डॉक्टर, गौतम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है. उसे कुछ याद नहीं, मैं भी याद नहीं. यू आर राइट. एक्सीडेंट के बाद गौतम का पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है. उसकी याददाश्त ऑलमोस्ट ना के बराबर है. पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं उसे. लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए उसे हॉस्पिटल में रखने की कोई जरूरत नहीं है. जब वो अपने घर वापस जाएगा, पिछली जिंदगी में वापस जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी पूरी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं काम करती हूँ, मैं गौतम की सबसे फेवरेट पेंटिंग उसके रूम में लगा देती हूँ. उससे शायद उसे याद आ जाए कि वो कौन है. गुड आइडिया, इट माइट हेल्प. कल सुबह हॉस्पिटल आ जाइए, डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और गौतम को घर ले जाइए. सी यू इन द मॉर्निंग. गुड नाइट. थैंक यू डॉक्टर. गुड नाइट. आई होप गौतम ये देख के तुम्हें याद आ जाए कि ये पोर्ट्रेट तुम ही ने बनाया था. ये आवाज कैसे आई?
कोई नहीं। अरे कैटल कहां से आए? सबको बुला के लाते प्लीज। वो डिस्चार्ज पेपर्स भी देख लीजिएगा। ओके थैंक यू। यू नो गौतम मेरे बचपन का दोस्त, इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे बताऊं कि कल रात को उसकी वाइफ कविता की डेथ हो गई है, जबकि उसे याद भी नहीं है कि उसकी कोई वाइफ थी। पर तुम्हें लगता है गौतम का नाम बता के तुम ठीक कर रहे? मुझे लगता है कि इस वक्त उसे कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे उसकी याददाश्त वापस आएगी मैं उसे बता दूं, वैसे पता चल ही जाएगा उसको सब उसकी वाइफ के बारे में जो हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है मैं भी गौतम के करियर की सबसे बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन की डेट अनाउंस कर चुकी, लेकिन गौतम की हालत देखकर मुझे लगता भी नहीं वो पेंट भी कर पाएगा। रश्मि एक सजेशन है मेरे पास। Really? क्या? इसका जो स्टूडियो है वो फॉर्म हाउस पे, हमेशा वहीं पेंट करता हूँ। अभी मैं उसे घर ना ले जाकर उसे स्टूडियो ले जाऊँ, हो सकता है उसे कुछ याद आ जाए दोबारा पेंट करना शुरू कर दे। I think you have a point. We must do. डिस्चार्ज पेपर रेडी है, आपको डॉक्टर ने बुलाया। बाहर जाना। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, टेक इट इजी। आई एम श्योर कि तुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। चल अंदर चल। ये देख तेरा पेंटिंग स्टूडियो, या तूने बेस्ट पेंटिंग्स बनाई हैं, ये देख सारी पेंटिंग्स देख, और ये देख तेरे पेंटिंग ब्रशेस, कैनवासेस, स्टैंड्स, और ये रहे तेरे कलर्स। तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ पहले जैसी पेंटिंग्स बना, तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, इट्स योर ड्रीम राइट। देख मैं तेरे साथ रुक नहीं पाऊंगा, पर मैं आता रहूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? और इस डायरी में सारे फोन नंबर्स हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर का भी इंतजाम किया है, वो आती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं निकलता हूँ यार, मेरी मीटिंग है। ठीक है तो अपना ध्यान रख, रेस्ट कर और शुरू हो जा।
कोई प्रॉब्लम हो गिव मी अ कॉल, ठीक है? चल टेक केयर. गौतम जी, गुड मॉर्निंग. गौतम जी कैसे हो आप? गौतम जी आप कौन है? आप हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो मुझे हंसी आएगी ना. मैं वैशाली, यहाँ की केयर टेकर. आप जब भी यहाँ पेंटिंग करने आते हैं तब मैं ही तो आपके साथ यहाँ पे रहती हूँ. हम दोनों की बहुत अच्छी जमती है. आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं. वैसे मुझे एक बात पक्का पता है, आपने अभी तक अपनी चाय नहीं पी होगी, है ना? मैं अभी लेके आती हूँ. यहाँ कोई किचन नहीं है, बस ये बर्नर और चाय की केटल. लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपको किचन नहीं चाहिए थी यहाँ पे. आपको पेंटिंग करते वक्त कुकिंग और खाने वाने की डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए रोज बाहर से खाना लेके आती थी. और वैसे भी आप खाते भी कितना हो, आपको तो सारा दिन बस चाय चाहिए होती है, वो भी मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म. लीजिए, चाय तैयार हो गई. खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. ये लीजिए. गौतम जी ये लीजिए, यही है वो ब्रश जिससे आप अपने रंगों का जादू बिखेरा करते थे. Thank you.
कैसी लग रही है पेंटिंग? बहुत अच्छी है। मुरझा गया? मॉर्निंग। कैसी रही आपकी नींद? और ये रही आपकी चाय। थैंक यू। ओहो, तो कल रात को आपने नई पेंटिंग बनाई? देखू तो कैसे बनाई है? नहीं वैशाली, उसे मत देखना, वो ही पेंटिंग है। अरे पर क्यों? कल तुम्हारे जाने के बाद कुछ अजीब सा हुआ। ये फूल वाली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, इसके फूल पेंटिंग में ही मुड़ जा गए। और वो जो ब्रश था, वो भी अजीब सा हो गया था, काला पड़ गया था एकदम। ओहो, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है वैशाली, कोई सपना नहीं था, प्लीज उसे मत खोल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, आप क्या बात कर रहे हो? ये पेंटिंग ठीक कैसे हो गई? कल रात मैंने खुद देखा था, ये सारे फूल मुरझा गए थे इस पेंटिंग में। और हाँ, वो मोरपंख जो तुमने मुझे दिया था, वो एकदम काला पड़ गया था, मैंने उसे फेंक दिया। ये कैसे? तो ये क्या है? ये भी पहले के जैसा? आप एक काम कीजिए, आप बढ़िया सी चाय पीजिए और पेंटिंग कीजिए। शायद उस एक्सीडेंट की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। ये लीजिए, लीजिए ना। अरे चलिए, मैं आती हूँ।
ये क्या बनाया आपने? ये आपका स्टाइल नहीं है। गौतम जी, आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है, डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस, नॉट दिस। आप इस हंसती हुई बच्चे की जगह किसी रोती हुई सैड बच्चे की पेंटिंग बनाइए, वो बनेगी आपकी स्टाइल वाली पेंटिंग। मैंने आपको ये मोरपंख क्यों दिया था? ये लीजिए और बनाइए इस बच्ची को रोता हुआ, आपकी स्टाइल वाला। लीजिए, मैंने सोचा अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ याद आना बाकी है। बस कभी कभी धुंधला सा याद आता है, पर जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी जो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तुमने जो पेंटिंग्स बनाई है वो मुझे दिखाओ तो सही। हाँ प्लीज कम। गौतम, तुम्हें हो क्या गया है? ये पेंटिंग तुम्हारी स्टाइल की बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो अपने ब्राइट, हैप्पी, कलरफुल, पॉजिटिविटी से भरे हुए पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हो, लेकिन ये सब देखो कितना डार्क, उदास, बदसूरत, अजीब सा है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे एग्जीबिशन की डेट आगे करनी पड़ेगी, जब तक कि तुम फिर से पहले वाले गौतम नहीं बन जाते। मैं चलती हूँ। ओके, यू टेक केयर। ये आपका स्टाइल नहीं है, आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है, डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस, बदसूरत रियलिटी। विशाल, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन गौतम ने जो अब पेंटिंग बनाई वो पहले जैसे बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो भी गौतम के साथ हुआ ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन अगर वो इसी तरह पेंट करता रहा तो उसकी बनाई हुई पेंटिंग इसकी मैं एग्जीबिशन नहीं रख सकती। ऐसी अजीब डिप्रेशन वाली पेंटिंग गौतम की हो ही नहीं सकती, कौन खरीदेगा उन्हें? रश्मि, मैं गौतम से बात करता हूँ, प्लीज डू मी अ फेवर, गौतम को एक मौका दो ना। ओके। ये आवाज कहां से आई? आवाज तो किचन से आ रही है।
केटल यहाँ कैसे आ गई? कोई है क्या यहाँ पर? कोई है यहाँ? देखो सामने आओ, कौन है? मैं कहती हूँ सामने आओ, कोई है? ये यहाँ पे कैसे आई? ये तो गौतम की पेंटिंग है। गुड मॉर्निंग गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, आपकी चाय बना दूं? अरे सुबह के 7 बज चुके हैं और आप अभी तक सो रहे? चलिए उठिए, पेंटिंग कीजिए। देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे और सोना है, सोने दो। बिल्कुल नहीं सोना है अब, चलो उठो। ये बच्चों की तरह बीमारी का नाटक मत करो, एक कलाकार हो, कला के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाओ। अरे 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 कुछ नहीं, चलो 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 उठो, चाय बनाती हूँ, आ जाओ। आ गए आप, लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। तो आज कौन सी पेंटिंग बना रहे हो? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, पेंटिंग बनाने का मूड नहीं है। व्हाट? मूड नहीं मतलब क्या होता है? पेंटिंग कैसे नहीं बनेगी? लगता है तुम में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। जिस पेंटर का मूड नहीं पेंटिंग करने में, वो किस काम का पेंटर? जबान संभाल के बात करो और मेरे काम में दखल मत दो। इस घर की केयर टेक करो, साफ सफाई करो और जाओ यहाँ से। अच्छा अब भी बताती हूँ। ये वो कमरा नहीं जहां इसने मुझे धक्का दिया था, तो फिर वो कौन सा कमरा? वो ढूंढना पड़ेगा मुझे।
ये पेंटिंग? देखो मैंने गुलाब की पेंटिंग बनाई है, कैसी लग रही है? ये मेरी पेंटिंग है। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूं? नहीं। ये आपके लिए। मेरे पिताजी भी एक पेंटर थे और वो हमेशा अपनी सारी पेंटिंग्स इस खास मोरपंख वाले ब्रश से करते थे। आपको पता है मेरी जान बसती है इसमें। गौतम जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी सारी पेंटिंग्स इसी ब्रश के साथ बनाएं। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। रश्मि जी, मैंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। कभी आकर हमारी पेंटिंग्स भी देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू। चाय। वैशाली देखो, मैंने गुलाब की पेंटिंग बनाई है, कैसी लग रही है? गौतम जी, इस गुलाब में ना असली वाला लाल रंग नहीं दिख रहा है। मतलब? एक मिनट। ये क्या कर रही हो? अरे गौतम जी, आप समझे नहीं, आप अभी इस गुलाब में ये खून वाला रंग भरिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जाओ और इसका इलाज कराओ। आउट। आई सेड आउट। आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते गौतम जी? आपको क्यों नहीं दिखता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? मैंने कहा जाओ यहाँ से। आप समझते क्यों नहीं? गौतम जी, आई लव यू, आई लव यू गौतम, आई लव यू, आई लव यू गौतम। तुम पागल हो गई हो? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। नाउ आउट। आई सेड गेट आउट। शादीशुदा? आई सेड आउट। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मुझे सब याद आ गया। हे गौतम, तुम्हारे पास आ रहा था मैं। ऑन माय वे, मिलता हूँ थोड़ी देर में। मेरी बात सुन, मुझे सब कुछ याद आ गया है। सब याद आ गया? और मुझे वो भी याद आ गया जो उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन हुआ था। हाँ विशाल, और जब मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी। और पता है विशाल, तेरे जाने के बाद वैशाली फिर से यहाँ वापस आ गई और उसने मेरी आर्ट और मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। विशाली, फॉर्म हाउस पे? What are you saying, गौतम? गौतम, एक्सीडेंट वाले दिन जिस दिन तुम हमें जख्मी हालत में मिले थे, वहीं पर विशाली की डेड बॉडी और उसका सुसाइड नोट मिला था। She's dead. ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं रही, इसीलिए मैं भी खुद को खत्म कर दूंगी। वैशाली मर गई है? Yes, she's dead. मर चुकी है वो कब की? इसका मतलब उसकी आत्मा। विशाल, विशाल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प मी। तू घबरा मत, मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है? ओके ओके। विशाली,
वैशाली कहाँ है? गौतम उठ उठ गौतम भाग यहाँ से गौतम आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।